वाराणसी के दशा समेत क्षेत्र को नो व्हीलर जोन घोषित करने के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जो आपको बता दे, समाचार पत्रों व विभिन्न संचार साधनों और चित्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि गोदौलिया दशा समेत क्षेत्र में हो रहे सड़क सुंदरीकरण के तहत आगामी भविष्य में क्षेत्र को नो व्हीलर जोन घोषित किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ, जिससे इलाकाई निवासियों व्यापारियों में काफी असंतोष और बेचैनी प्राप्त हुई है। क्षेत्र में वाहन संचार मुक्त जोन घोषित करने से वाहनों के आवागमन पर रोक से लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। गोदौलिया दशा समेत क्षेत्र में नो व्हीलर जोन व्यवस्था लागू होने पर उजागर होने वाली परेशानियों पर निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद ही कोई नई व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहाँ के व्यापारियों ने कहा पूरी तरह से अगर कार्यक्रम ले ली वहाँ सारी दुकानें बंद आइए। ये महामहिम राज्यपाल जी के लिए इन लोगों ने एक पत्रक दिया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग में घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराए जाने के संदर्भ में दिया गया है। दूसरा पत्रक इन्होंने गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र को जो व्हीकल जोन घोषित करने के संबंध में है, उसके संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करने को कहा गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर एक हमारा पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, पोल खोल अभियान, जिसके प्रथम चरण में आज हम लोगों ने राज्यपाल को संबोधित, जिसमें पशुधन विभाग में हुए घोटाले की जांच और जो शिक्षकों 69,000 जो शिक्षकों के घोटाले की जांच को लेकर के कि वर्तमान किसी हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं, इसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन संबोधित किया। DM साहब को देना था, लेकिन DM साहब ने अपने पति के तौर पर ACM फोर साहब को भेजने का भेजा है और हमने उनको क्या बात हुई आप लोगों के ACM फोर साहब से? ACM फोर साहब ने कहा वो पत्र हम राज्यपाल तक उसको जरूर पहुँचाएंगे। दूसरा एक पत्र हम लोगों ने दिया है दशाश्वमेध जोन में नो व्हीकल जोन बना करके और तमाम विकास के कथित विकास के नाम पर भी वहाँ पे गरीब मजदूरों और व्यापारियों को उजाड़ने का जो कृतकृत्य सरकार करने जा रही है, उसके खिलाफ भी हमने पत्र दिया है ACM साहब महोदय को और उनसे निवेदन किया कि उस पर तत्काल व्यापारियों के हित में कोई निर्णय लेने का काम जिलाधिकारी महोदय द्वारा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सौर न्यूज इंडिया। सौर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।